Dear students, welcome to Laws of Motion. This is very important topic, very important, very easy topic. लेकिन इसके numericals की जहाँ तक बात किया जाए, IIT level के numericals या NEET level के numericals, तो ये उतना easy नहीं है. इसलिए जब भी हम लोगों को Laws of Motion पढ़ना चाहिए, तो school level को अलग से पढ़ना चाहिए और IIT या competitive level को अलग से पढ़ना चाहिए. आपसे बात करेंगे. तो चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है तो उसके बेसिस को, उसके फंडामेंटल को कभी स्किप नहीं करना चाहिए. तो मैं भी यहाँ स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ. मैं आपको इसके फंडामेंटल्स अच्छी तरह से बताऊँगा. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट क्या क्या हैं. तो देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे इसके कंटेंट क्या क्या हैं. तो कंटेंट में सबसे पहले फर्स्ट लॉ से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है और कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया मिलता है, उसके बारे में देखेंगे. उसके बाद सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलता है, एफ इक्वल टू एम ए के बारे में देखेंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे. उसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है इम्पल्स, नॉट छोटा सा कॉन्सेप्ट, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इम्पल्स, उसके बारे में देखेंगे. उसके बाद थर्ड लॉ में आएंगे. थर्ड लॉ में हम लोग एक्शन और रिएक्शन के बारे में देखेंगे. तो एक्शन रिएक्शन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे बहुत कुछ. सिर्फ एक्शन रिएक्शन नहीं बल्कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों के बारे में आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते होंगे. तो यहाँ पर मैं उसी को नए तरीके से आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, जिससे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो आपका क्लियर हो जाएगा. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव मोशन टू ए स्टैटिक बॉडी एंड व्हिच इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी. When we kick a ball above the ground, it slows down on moving up and finally return to the ground. कि जब एक बॉल को above the ground kick किया जाता है, तो दोबारा वो बॉल वापस आता है लौट करके ग्राउंड की तरफ. Okay dear, तो अगर हम किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं तो दोबारा वापस आता है. कौन लाता है इसको वापस? तो उसको वापस लाता है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स है, जिससे वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचता है. हियर इन दिस फिगर यू कैन सी अ पर्सन इज पुशिंग ए बॉक्स सो दैट बॉक्स इज मूविंग. ए पर्सन इज पुशिंग द डोर एंड अनदर पर्सन इज पुलिंग द डोर. सो वी कैन से दैट force is an external effort in the form of push or pulls which either changes or tend to change the state of rest or of uniform motion of a body. yani force ek aisa external effort hai jo kisi bhi body ke state of rest ko state of motion mein aur state of motion ko state of rest mein convert kar sakta hai ya try kar sakta hai. That is the force. इसी फोर्स के बारे में हम लोगों को पूरे इंटायर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ना है. चैप्टर में बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं जिनको आप बेसिक फोर्स बोल सकते हैं. इसमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स जो दो प्लैनेट्स या दो स्टार्स के बीच में काम करता है. ये यूनिवर्स को ऑपरेट करता है. नेचर में एक और फोर्स होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन, उसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन. और अगर चार्जेस अपोजिट हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें अट्रैक्शन होता है. इस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एटम में ये फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अप्लाई होता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. न्यूक्लियस में एक और फोर्स होता है जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है, उसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अप्लाई होता है जो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू बाइंड द न्यूक्लियस.
अभी आपने फोर्स के बारे में देखा, आइए अब हम लोग फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। ये फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, हम लोग फर्स्ट लॉ में देखेंगे। अभी आपने जो वीडियो में देखा, प्रेजेंटेशन में देखा फोर्स के बारे में, कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये जो सारे फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्सेस का जो रूट है, जो बेसिक है, जो सोर्स है, वो क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। एक्चुअली इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से। जब बिग बैंग हुआ था, जिस समय बिग बैंग हुआ था, उस समय सारे फोर्सेस यूनिफाइड थे। इसको बोला जाता है यूनिफाइड थ्योरी ऑफ फोर्सेस, सारे फील्ड, सारे फोर्स यूनिफाइड थे। लेकिन जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, तो आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ बिग बैंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे फोर्सेस सेपरेट हुए। और आज हम लोग जो इंटरेक्शन देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का, ये हमें मिलता है। लेकिन बिफोर द बिग बैंग एक्सप्लोजन, ये सारे फोर्सेस यूनिफाइड थे, एक ही थे। बट ये जो थ्योरी है, ये बस अभी थ्योरी ही है। इसको बहुत लोग मानते भी हैं, इसको बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का एक और थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी, वो भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बिग बैंग जो थ्योरी है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क किया है हुआ वो स्टीफन हॉकिंस, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बिग बैंग पे। लेकिन जो भी है, अब इसके डिटेल में जाना मैं नहीं चाह रहा हूँ, अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो चूंकि लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा जाता है, इसलिए मैं फोर्स के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। तो पहले सारे फोर्सेस यूनिफाइड थे, आफ्टर बिग बैंग एक्सप्लोजन सारे फोर्सेस सेपरेट हुए, जो हम लोग अभी जानते हैं। तो इन्हीं फोर्सेस के बारे में हम लोग इन्हीं फोर्सेस के बारे में न्यूटन ने तीन लॉ दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आइए हम लोग फर्स्ट लॉ समझते हैं। फर्स्ट लॉ, इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, इट कीप्स ऑन मूविंग, एंड इफ इट इज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैथमेटिकली अबव लॉ फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी कैन बी स्टेटेड एज ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो if and only if force F is equal to zero. अगर acceleration zero होगा, उसी हालत में जब force zero होगा। Here in the figure, two person are exerting force on a block in opposite direction. If the forces applied by the two person in opposite direction are same, they cancel each other, and this is called balanced force. Balanced force cannot produce acceleration. So balanced forces is equal to zero acceleration. So we can say that we cannot stop the moving body if and only if F is equal to zero. Moving of body को कभी नहीं रोका जा सकता अगर फोर्स जीरो लग रहा है तो। तो we have started first law. First law में ये according to Newton, first law में बताता है कि अगर बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अगर
This is example of inertia of motion. Person driving the car is in motion with the car. When car collides with the obstacle, person fly in forward direction because as an object, body of person have tendency of motion. So, to keep inertia of motion, his body keeps on moving. Okay, person is driving the car. Car motion mein hai, isliye person ka bhi tendency motion ka hai. Jab car takrata hai obstacle se, because person have tendency of motion, ye person, car jab takrata hai obstacle se, to car to ruk jata hai, lekin ye person ka bhi tendency motion ka hai, वो कार से रिजिडली अटैच नहीं है इसलिए कार से वो फेंक दिया जाता है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन Friction between tablecloth and dining parts is negligible. When pike pulls the cloth slides from the table, but parts keeps at rest due to inertia of rest. Okay, this is one of the example of inertia of rest. Agar tablecloth ko table ke surface ke parallel force lagaya jata hai, because tablecloth स्मूथ है टेबल भी स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल क्लॉथ एंड टेबल इज कंसीडर्ड टू बी जीरो फ्रिक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो एवरीबॉडी विच इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट तो जब बाइक टेबल क्लॉथ को पुल करता है खींचता है तो बिकॉज देर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन द क्लॉथ एंड पॉट्स बर्तन और क्लॉथ के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए बर्तन क्लॉथ टेबल क्लॉथ के साथ स्लाइड नहीं होता है नीचे से टेबल क्लॉथ स्मूथली निकल जाता है और बर्तन वहीं का वहीं रह जाता है टेबल पे दिस इज ओनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट Before turning, bike has tendency to move in a straight line. At the turning, its direction of speed is tangential, so it may skid in tangential direction to keep directional inertia. Okay, turning se pehle, bike ka jo tendency hai move karne ka, wo straight line, kyunki road turning se pehle straight line hai. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है लेकिन जब बाइक टर्निंग पे आता है तो वो उसका इनर्शिया डिस्टर्ब होता है अब इस वजह से बाइक ऑन द टर्निंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में यानी कि सीधे लाइन में जिधर से आ रहा था और फिर वो आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में That is called tangential direction. उस direction में वो skid कर सकता है. This is due to inertia of direction. What we learn from first law? We learn about two major concepts from first law. Concept of inertia and second concept of external force. What is inertia? We come to know that everybody wants to maintain its state of rest and motion. This inherent property of a body by virtue of which it cannot change its state of rest or of uniform motion unless acted upon by some external force is called inertia. So inertia किसी भी body का inbuilt property होता है. हर body के पास वो property होता है.
क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई मोशन में है बॉडी तो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में जा रहा है तो वो टर्न नहीं करेगा, वो सीधी लाइन में ही जाना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ये प्रॉपर्टी आता कहां से है किसी बॉडी में? तो ये प्रॉपर्टी मास की वजह से आता है। किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें क्रिकेट बॉल का। जब क्रिकेट बॉल आपके तरफ आता है तो आप उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन उसी स्पीड से अगर कार आपकी तरफ आ रही है तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि कार का मास ज्यादा है। तो इसलिए कार अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को स्ट्रांगली मेंटेन करता है, लेकिन क्रिकेट बॉल इनर्शिया ऑफ मोशन को स्ट्रांगली मेंटेन उतना नहीं करेगा, क्योंकि उसका मास एज कंपेयर टू कार इज वेरी लेस। तो आप समझ गए होंगे इनर्शिया आता कहां से किसी बॉडी में। इनर्शिया आता है केवल और केवल मास की वजह से। फिलहाल आगे देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इट इज एन इफेक्ट विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। दिस मैन पुशेस द कार फ्रॉम बिहाइंड, सो ही इज एक्सटर्नल एजेंट फॉर द कार। But when man pushes the car by sitting inside the car, he is the part of the car. जब ये आदमी पीछे से कार को धक्का लगाता है तो he is external part of the car. He is not part of the car. And the force exerted by the person is the external force. An external force has ability to change the state of a body. तो जब ये आदमी कार को पीछे से धक्का लगाता है तो हो सकता है कि कार को मूव करवा सके, because external force can do work. लेकिन जब यही आदमी कार के अंदर बैठ जाता है और फोर्स लगाएगा तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन इज अ इंटरनल फोर्स, और ऐसी हालत में कार मूव नहीं करेगा, क्योंकि कार का क्योंकि इंटरनल फोर्स कैन नॉट डू वर्क। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी कम टू नो अबाउट एक्सटर्नल फोर्स दैट इट हैज एबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फर्स्ट फील्ड फोर्स फॉर विच फिजिकल कॉन्टेक्ट इज नॉट नेसेसरी, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो फील्ड फोर्स ऐसा फोर्स होता है जब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, विदाउट एनी टच। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, दूर से ही फोर्स लगाते हैं। अगर दो प्लैनेट के बीच का फोर्स देखा जाए या दो स्टार्स के बीच का फोर्स, तो दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कोई टच नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते हैं। इस तरह के फोर्सेस को बोला जाता है फील्ड फोर्स। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यहां भी कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, दो चार्ज एक दूसरे पे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हैं दूर से ही। उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी दूर से ही लगता है। फील्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ड्यू टू अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटिंग अ फील्ड इंटेंसिटी अराउंड इट। व्हेन अनदर बॉडी विद सेम प्रॉपर्टी कम्स इन दिस फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स बनता कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूं एक प्लैनेट का। एक प्लैनेट अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, तो उस फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया तो उस ऑब्जेक्ट को खींच लेता है। तो जो फोर्स लगा फील्ड फोर्स, वो ड्यू टू फील्ड लगा, इसलिए इस तरह के फोर्स को बोला जाता है फील्ड फोर्स। इसमें किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड इज कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर विच फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। ओके, यू नो फ्रिक्शन फोर्स तभी होता है दो बॉडी के बीच में जब रबिंग होगा, और रबिंग के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन, जब आप एक बुक को टेबल पर रखते हैं तो बुक और टेबल के बीच में फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, उसके लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत है। उसी तरह से टेंशन है, जब एक किसी रोप को या धागे को खींचते हैं दोनों तरफ से, वेन स्ट्रिंग और रोप इज पुल अपार्ट, तो उसके अंदर तनाव होता है, उसी को बोला जाता है टेंशन। तो फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्स। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन डिटेल।
हम लोग इस चैप्टर में फील्ड फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि फील्ड फोर्स इज वेरी वास्ट और उसके लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिज्म अलग टॉपिक है, वहां पढ़ लेंगे। तो यहां पर हम वी विल ओनली स्टडी अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके डियर, तो फर्स्ट लॉ में अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में जो अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा, मैंने बताया प्रेजेंटेशन में कि एक्सटर्नल फोर्स इज एन एफर्ट अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। जैसे प्रेजेंटेशन में पीछे देखा आपने कि एक आदमी कार को पीछे से धक्का लगा रहा है, तो अगर वो कार को पीछे से धक्का लगा रहा है तो वो कार के बाहर है, मतलब कि ही इज एन एक्सटर्नल एजेंट फॉर द कार। और जब कार को पीछे से धक्का लगा रहा है तो हो सकता है कि कार में मोशन आ जाए, डिस्प्लेसमेंट हो और वर्क डन हो जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स हैज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एक्सटर्नल फोर्स कैन डू वर्क। आइए अब समझते हैं व्हाट इज इंटरनल फोर्स, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में शायद बताया या नहीं है, देख लीजिएगा। इंटरनल फोर्स मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ, इसी कार और मैन के एग्जांपल से, कि जब आदमी कार के अंदर बैठ जाता है, सपोज आदमी कार के अंदर बैठ जाता है और कार के अंदर सीट पे बैठ करके उसके बाद धक्का लगा, तो उसके बाद अगर वो पुश करता है कार को, तो क्या वह कार मूव करेगा? नहीं, कार मूव नहीं करेगा। बिकॉज व्हेन ही इज इनसाइड द कार ही इज अ पार्ट ऑफ द कार, व्हेन ही इज अ पार्ट ऑफ द कार ही इज अ इंटरनल पार्ट ऑफ द कार, देन द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, फोर्स अप्लाइड बाय द मैन इज अ इंटरनल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स कैन नॉट डू वर्क, इसलिए कार मूव नहीं करता। जब वो अंदर से कार के अंदर बैठ करके फोर्स लगाएगा तो कार मूव नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स कैन डू वर्क बट इंटरनल फोर्स कैन नॉट डू वर्क। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स। ओके, तो अब आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। आपने देखा तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो प्रेजेंटेशन में देखा, आप लोग खुद समझ सकते हैं, हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल अपने डेली लाइफ से एग्जांपल उठा सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या। जैसे चलती हुई गाड़ी से अगर बाय द वे एक्सीडेंट होता है, कोई गिर जाता है, चलती हुई ऑटो से कोई गिर जाता है तो उसे चोट आती है, कुछ दूर तक ऑटो के साथ वो घसीटाता हुआ जाता है, मतलब के दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल इनर्शिया। ओके, या आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेन में चल रहे हो या बस में चल रहे हो या कार में चल रहे हो, आप चलती हुई कार या बस या ट्रेन से आप एक पत्थर या एक कोई बॉडी को बाहर फेंके तो आप देखेंगे वो बॉडी सिंपली ग्राउंड पर जाकर बैठ नहीं गया, बल्कि वो कुछ दूर तक उस व्हीकल के साथ कुछ दूर तक मूव करता है ऑन द ग्राउंड, बाउंस करते हुए या घसी स्लाइडिंग करते हुए वो बॉडी, जब आप कार के अंदर से या ट्रेन के अंदर से या बस के अंदर से किसी बॉडी को बाहर फेंकते हैं तो वो कुछ दूर बाउंस करते हुए या स्लाइड करते हुए बॉडी के साथ जाता है ग्राउंड पे, उसके बाद वो रुकता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल इनर्शिया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां से, आपके डेली लाइफ से, आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन नीट के लिए और आईआईटी जेई स्टूडेंट के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आपके लिए ये सब बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बस वेट फॉर फ्यू मिनट्स, वी विल गो टू द एडवांस फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ मोशन, तब आपको मज़ा आएगा। अभी आप बस वेट कीजिए, लेकिन आई वॉर्न यू के जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको वॉर्न कर रहा हूँ कि बेसिक को स्किप नहीं करना है, ये जो बताया जा रहा है इसको स्किप कर दीजिए, ढूंढिए इसमें कुछ चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो ये था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स देखा और कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया देखा। अब आइए हम लोग सेकेंड लॉ में इंटर करते हैं। थैंक यू। ओके, दिस इज सेकेंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी और सिस्टम। बैलेंस्ड फोर्सेस प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, दैट इज व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। हियर बॉय एंड गर्ल आर पुलिंग ईच अदर
with the same force of 10 Newton. So there is no acceleration of the rope, because here force on the rope is balanced. To understand laws of motion, it is necessary to talk about unbalanced forces. Here in the figure, weight W of the block is unbalanced by reaction force N. When support is removed, N disappears and force on the block is only W, which is not balanced by any other forces. Okay, you can see here blue block is kept on the table. Suppose this is a table support. Blue ball is applying a force on the table equal to its weight, and table gives reaction, that is N, normal reaction. The weight of the block yahan par normal reaction se balance ho raha hai. To weight ko balance karne wala ek force hai, upar ki taraf lag raha hai normal reaction. To dono force cancel karke net force zero bana dete hain, isliye block rest mein hai, block gir nahi raha hai. लेकिन सोचिए कि अगर यहां से टेबल का सपोर्ट हटा लिया जाए अचानक, या जो भी सपोर्ट है सपोर्ट को अचानक हटा लिया जाए, तो क्या होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स है ये वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो अब वेट W को बैलेंस कौन करेगा? तो कोई नहीं करेगा. तो W का अगर कोई बैलेंस नहीं करेगा वेट को, तो ये ब्लॉक पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया और इस तरह से ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वेट के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, गिर जाएगा. इसको बोलेंगे, देखिए एनिमेशन में. ओके, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है वेट को. जब नीचे से हम हटाएंगे सपोर्ट, यस, तो ब्लॉक गिर गया. तो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस, if a body accelerates, it is acted upon by unbalanced forces that makes a body to move. तो balanced force अगर होगा तो net force zero होगा और acceleration नहीं होगा, motion नहीं होगा, कोई body rest में होगा तो. लेकिन कोई body अगर rest में है और उस पर force, unbalanced force लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पर table और block का के case में देखा आपने, unbalanced force लगा दिया जाए, तो body एक्सलेट कर जाता है. सेकेंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मेजरमेंट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. सो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. हियर इन द फिगर यू कैन सी देयर इज अ ब्लॉक जिस पर एक फोर्स एफ लग रहा है, तो क्या होगा? ये ब्लॉक मूव करेगा. सपोज ब्लॉक इज मूविंग और इसका स्पीड यू से वी हो जाता है. यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी. तो यहां हम देख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द फाइनल मोमेंटम इज एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम. And initial momentum is mass into u, m into u. Change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum is equal to mv minus mu. So, ये जो formula F है, ये क्या हो जाएगा? This formula become mv minus mu by t. M को common कर लिया गया अगर, तो v माइनस यू बाई टी, आप जानते हैं v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सलेशन a होता है. इस तरह से f इक्वल टू ma हमें मिल गया. तो दिस इज द माइलस्टोन फॉर्मूला. ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. ये फार्मूला लॉज ऑफ मोशन में ही नहीं, फिजिक्स के मैक्सिमम चैप्टर में काम आता है. ये एक्सेलरेटिंग बॉडी पे ये फोर्स फार्मूला लगता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. Thank you.
third law. To every action, there is always an equal and opposite reaction. This is the third law. According to third law, every action must have equal and opposite reaction. For example, here in the figure, the force of the nail on the hammer is, if action, then nail must give reaction to the hammer. So the force of the nail on the hammer and the force of the hammer on the nail are action-reaction pair. In this figure, in the second figure, force exerted by the finger on the wall, if reaction, then the force exerted by wall on the finger is reaction. So force of finger on the wall and force of wall on the finger are action reaction pair. Okay dear, we have started third law. थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है. यहाँ दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस दोनों एग्जाम्पल से आप एक्शन और रिएक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिए. आगे वीडियो में मैं आ रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और समझाऊंगा. हियर इन दिस फिगर ब्लॉक वन इज केप्ड ऑन ब्लॉक टू एंड ब्लॉक टू इज केप्ड ऑन द ग्राउंड. तो जाहिर है जितने भी बॉडी आपस में कांटेक्ट में हैं, ये सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. दिस इज, ये सारे ब्लॉक एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. लोअर ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा फोर्स, तो ग्राउंड रिएक्शन देगा. अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा और लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक को रिएक्शन देगा. यू कैन सी हियर एक्शन एंड रिएक्शन. मैंने यहां पर एक्शन रिएक्शन को एरो से रिप्रेजेंट किया है. इन एनिमेशन यू कैन सी द एक्शन रिएक्शन. दिस टू ब्लिंकिंग फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन फोर्स. लोअर डायरेक्शन में जो एरो है, दिस इज द फोर्स ऑन द ब्लू ऑन द सेकेंड ब्लॉक बाय फर्स्ट ब्लॉक F21. एंड अपर डायरेक्शन का जो एरो है, दिस इज द रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक 1/2. तो F21 एंड F12 एंड F21, दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर बिटवीन ब्लॉक 1 एंड 2. उसी तरह से ब्लॉक 2 और ग्राउंड के बीच में भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा. दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर. This is FG2, force on ground by block 2, and reaction is force on block 2 by ground. So these blinking pair of forces are action reaction pair. So F21 is equal to minus F12, as action and reaction are equal and opposite. Minus sign represent here opposite nature of action and reaction. उसी तरह से FG2 is equal to minus F2G. Action reaction act at the same time in opposite direction on different bodies and of equal magnitude. Okay dear, this was brief idea of action reaction. एक्शन रिएक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए और डिटेल में समझने के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करें. अगले वीडियो में मैं जेई लेवल और एडवांस लेवल, नीट लेवल, कॉम्पिटेटिव लेवल पे और डिस्कस करूंगा. मैं इसके जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा. हेयर माई मोटिव इज, माई एम इज टू इंट्रोड्यूस ओनली सम बेसिक सम फंडामेंटल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. नाउ कम टू सी ए न्यूमेरिकल.
there is a problem, there is a numerical. What is numerical? C. An elevator going down with acceleration with 2 meter per second square. A block of mass 3 kg is resting on the floor. Find the force exerted by block on floor. Okay, एक elevator है, देख सकते हैं आप. This is elevator. इस elevator में एक block रखा हुआ है और block भी elevator पे force लगा रहा है नीचे की तरफ और elevator block पे force लगा रहा है ऊपर की तरफ. These are the action reaction pair. Okay, जब this elevator, this lift is moving down with acceleration 2 meter per second square. Okay. जब ये elevator नीचे आ रहा है तो ब्लॉक भी साथ में नीचे आ रहा है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जो उतना ही होगा जितना एलिवेटर का एक्सेलरेशन होगा. तो ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन सा लग रहा है? एक तो mg लग रहा है वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर ऑफ लिफ्ट. तो बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग डाउन एक्सेलरेटिंग डाउन इसलिए ब्लॉक पे जो फोर्सेज होगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा. अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर बैलेंस्ड फोर्स होगा तो ब्लॉक आइदर मूव नहीं करेगा लिफ्ट के साथ या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगा. लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्लॉक इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन एज लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन. सो ब्लॉक का जो ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा. बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग डाउन सो mg इज ग्रेटर देन n. तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज mg माइनस n. तो सी द सॉल्यूशन. नॉर्मल रिएक्शन इज मेजरमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर. सो वी हैव टू फाइंड हियर वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n. ओके, तो बिकॉज मैंने बोला कि फोर्स ऑन द फोर्सेस ऑन द ब्लॉक इज अनबैलेंस्ड सो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज mg माइनस n. और नेट फोर्सेस को तो पता है हमको, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो आप इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप इसको इक्वेशन को कंपेयर कीजिए तो विल गेट द फाइनल इक्वेशन ma इज इक्वल टू mg माइनस n. ओके, पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी कैन गेट, देख लीजिए इसमें डेटा में, देख लीजिए क्वेश्चन में सारे वैल्यूज है उसको पुट कीजिए तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन 24 न्यूटन. दिस इज आवर आंसर. ओके, यू गॉट द आंसर. थैंक यू. ओके, तो अभी आपने थर्ड लॉ देखा. थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देखा अपने प्रेजेंटेशन में. एक्शन रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं आपका समझने के लिए. इस तरह से समझे एक्शन रिएक्शन को कि सपोज यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द बेंच इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बेंच गिविंग यू रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो व्हाट यू आर एक्सर्टिंग इज एक्शन एंड व्हाट बेंच इज गिविंग इज रिएक्शन, ऐसा सुनने में लग रहा है. लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट. एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर बॉडी. अगर आप ये बोलते हैं कि यू आर एक्टिंग एंड बेंच इज रिएक्टिंग देन दिस इज नॉट करेक्ट. हु इज एक्टिंग एंड हु इज रिएक्टिंग इज नॉट कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर बॉडी. तो कोई भी एक्शन, कुछ भी आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो रिएक्शन हो सकता है. अगर हम ये बोलें कि बेंच जो फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर वो एक्शन है, तो एक्शन और रिएक्शन जो है इस दोनों में से किसी एक को बोल सकते हैं. तो ऑटोमेटिकली दूसरा, अगर एक को एक्शन बोलेंगे दूसरा रिएक्शन हो जाएगा. द सेम एग्जांपल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून. अर्थ अट्रैक्ट्स मून एंड मून अट्रैक्ट्स अर्थ. तो दिस म्यूचुअल अट्रैक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर. अब इसमें से कौन सा फोर्स एक्शन है कौन सा फोर्स रिएक्शन है इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्शन रिएक्शन को एग्जिस्ट करता है. कोई भी एक एक्शन होगा दूसरा रिएक्शन हो जाएगा. दिस आर द कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं इसको. ओके, तो एक्शन रिएक्शन के बारे में अब और भी जो एस्पेक्ट्स हैं ये आप देख लें डिफरेंट बुक्स में. आप भी जानते ही होंगे, पहले से जानते होंगे, स्कूल से पढ़ रहे हैं आप लोग तो एक्शन रिएक्शन के बारे में. एडवांस जो फॉर्म है लॉज ऑफ मोशन का, जो हमारा अगला वीडियो होगा
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या देख चुके हैं, ये वीडियो लॉज ऑफ मोशन के बेसिक्स से था। एक्चुअली मैंने सोचा कि बेसिक को स्किप नहीं करना चाहिए। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब, या थर्ड लॉ, इसमें जो भी छोटे छोटे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब डिस्कस कर देना चाहिए एक वीडियो में। उसके बाद मुझे एडवांस लेवल में जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक को स्किप करने से एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग गलती कर देते हैं कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस में, जिसको आप लोग स्टूपिड मिस्टेक कहते हैं, जिसका अफसोस हमेशा रहता है। उस तरह की गलती, सिर्फ और सिर्फ उस तरह की गलती, केवल और केवल बेसिक को स्किप करने की जो आदत होती है स्टूडेंट्स की, उसकी वजह से होती है। इसलिए बेसिक, ऑलवेज स्टिक टुगेदर विद द बेसिक, कभी भी उससे उसको स्किप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि लॉज ऑफ मोशन के बेसिक को पहले एक वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं एडवांस फॉर्म में जाऊँगा। एक्चुअली मेरा टारगेट वही है कि कॉम्पिटिशन लेवल में, आईआईटी लेवल या नीट लेवल में इंटर करना। अभी मैंने एक भी वर्ड नहीं बताया उस लेवल का। हमारे अगले वीडियो में आपको ले जाएंगे आईआईटी लेवल पे या और नीट लेवल पे, या कंपटीशन के लेवल पे ले जाएंगे आपको लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन को अगर देखा जाए कंपटीशन लेवल से, तो बहुत ही वास्ट है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एंड इट इज वेरी अप्लाइड टॉपिक। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है 11th और 12th में फिजिक्स का जिसमें लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज वेरी अप्लाइड टॉपिक, और जब हम जाएंगे कॉम्पिटिशन लेवल से देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो एक डिफरेंट टीचिंग होगा। आप बस वेट कीजिए, उसमें मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के ट्रिक बताऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे सीडो फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन, टेंशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, पुलिस सिस्टम के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए जाएंगे, कॉन्स्ट्रेंट मोशन, कॉन्स्ट्रेंट जो रिलेशन होते हैं पुलिस सिस्टम में और नॉर्मल रिएक्शन में, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ लिफ्ट, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसको जिस पे डिस्कस किया जाएगा। अभी मैंने उसको टच ही नहीं किया है, अभी सिर्फ बेसिक्स में ही थे। तो वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ अगले वीडियो के लिए, कंटेंट को इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, कंटेंट पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको नया मेथड मैं आपको बता सकूँ, दे सकूँ। आप वेट कीजिए लॉज ऑफ मोशन के एडवांस फॉर्म के लिए, कॉम्पिटिटिव आईआईटी या जेई लेवल के लिए आप लोग वेट कीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, आपके पास लॉज ऑफ मोशन का एडवांस फॉर्म में बहुत ही एक फैंटास्टिक वीडियो होगा, उसका वेट कीजिए। फिलहाल आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए ऑनेस्टी के साथ, सेहत पे ध्यान दीजिए, एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।